दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 45 फुट की एक लंबी दीवार को बनवाने में हमारे कितने रुपए का खर्चा आता है, पूरा डिटेल में दोस्तों यहां मैं आपको जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे सेंट यानी कि रेत कितना लगेगा, एग्रीगेट यानी गिट्टी कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, स्टील यानी सरिया कितना लगेगा, ब्रिक्स और ईंट कितना लगेगा और लेबर मिस्त्री का कितना खर्चा दोस्तों यहाँ आने वाला है। इसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि दीवार बनाने का यानी कि चुनाई करवाने का कितना खर्चा आएगा और बीम कॉलम कास्ट करने का कितना खर्चा यहाँ आने वाला है। पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक आप जरूर से जरूर बने रहिएगा। दोस्तों 45 फुट का जो हम दीवार बना रहे हैं और दीवार बनाने का जो खर्चा हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये खर्चा दोस्तों बहुत सी जगह हमारा एक दीवार बना हुआ होता है और किसी को हम पार्टनरशिप उसकी दे रहे हैं, तब दोस्तों आज के भाव के हिसाब से हम उसका खर्चा जोड़कर हम उन्हें आधी पाती के हिसाब से पार्टनरशिप में दोस्तों वो दीवार उन्हें दे देते हैं आधी यूज़ करने के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें हमारे जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि हमारे 45 फुट की लंबी दीवार को बनवाने में कितना खर्चा आएगा और दो की पाती अगर हम करते हैं तो उसमें कितने कितने रुपये हमारे दोनों पार्टनरशिप के यहाँ आने वाले हैं। दोस्तों पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है और वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा। दोस्तों सर्वप्रथम हम देखते हैं कि 45 फुट का जो दीवार हम बना रहे हैं उसमें सेंट यानी कि रेत कितना हमारा बनता है। दोस्तों अगर क्यूबिक फीट की बात करें तो ये बनने वाला है दोस्तों आपके इसमें 340 क्यूबिक फीट। अगर ट्रॉली की बात करें दोस्तों तो ये आपके लगभग 4.5 ट्रॉली आप इसे मान के चल सकते हैं। ये ट्रॉली की साइज़ पर निर्भर करता है दोस्तों। ज़्यादातर जो ट्रॉली आती है वो 80 क्यूबिक फीट की ही उसमें अपना मटेरियल आता है। भाव की बात करें तो फिलहाल चल रहा है 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। गुणा क्रम करते हैं दोस्तों तो 20,400 रुपये का हमारे इसमें सेंट यानी कि बारूद बनता है। दोस्तों आगे बात करते हैं एग्रीगेट यानी गिट्टी के विषय में, तो गिट्टी हमारा इसमें लगने वाला है दोस्तों 80 क्यूबिक फीट यानी कि दोस्तों लगभग एक ट्रॉली। भाव की बात करें तो यह मिल रहा है 50 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। गुणा करते हैं तो 4,000 रुपये का हमारे एग्रीगेट यानी गिट्टी का खर्चा यहाँ आ जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं सीमेंट के विषय में, तो सीमेंट इसमें हमारा लगने वाला है दोस्तों 28 बैग सीमेंट हमारा इसमें लग जाएगा। और भाव की अगर बात करें तो ये मिलेगा दोस्तों आपको 360 रुपये पर बैग के हिसाब से। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो दोस्तों आपके बनता है 10,080 रुपये का सीमेंट। दोस्तों आगे बात करते हैं स्टील यानी सरिया के विषय में, तो सरिया इसमें आपके लगने वाला है दोस्तों 4 क्विंटल दोस्तों सरिया आपके इसमें लगने वाला है। और भाव की अगर बात करें तो अभी मिल रहा है 65 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि दोस्तों आपके 26,000 रुपये का सरिया यहाँ बनता है। दोस्तों आगे बात करते हैं ब्रिक्स एंड ईंट का खर्चा कि ईंट हमारा यहाँ कितना लगने वाला है, तो दोस्तों यहाँ ईंट अपना लगेगा 4,100 ईंट लगेगा। और भाव की बात करें तो 7 रुपये पर ईंट के हिसाब से फिलहाल अभी चल रहा है। गुणा करते हैं तो दोस्तों हमारा बनता है 28,700 रुपये का हमारा दोस्तों यहाँ जो है ईंटों का खर्चा आने वाला है। दोस्तों आगे बात करते हैं लेबर मिस्त्री का खर्चा यानी कि मजदूरी क्या रहने वाली है हमारे 45 फुट का एक दीवार बनाने में। दोस्तों दीवार बनाने का जो खर्चा है चुनाई जो जिसको हम बोलते हैं जिसका चुनाई हम करवाते हैं दीवार का, वो बनेगा दोस्तों हमारे 9,000 रुपये का खर्चा। और बीम कॉलम कास्ट करने का खर्चा दोस्तों ये बनेगा 16,000 रुपये का खर्चा। दोस्तों ये मैंने जोड़ा है 20 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, ये जोड़ा है 80 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से। दोस्तों पूरा दीवार जो होता है उसको भी रनिंग फीट के हिसाब से नापा जाता है, जिसमें दोस्तों दीवार का अलग और बीम कॉलम का अलग नहीं जोड़ा जाता है। उसका रेट लगभग 45 से 50 रुपये पर स्क्वायर फीट हिसाब से दोस्तों जोड़ा जाता है। अगर 50 रुपये के हिसाब से अगर इसका गुणा करें तो दोस्तों लगभग हमारे इसमें जो खर्चा आ रहा है दोस्तों 27,000 रुपये खर्चा है, लेबर मिस्त्री का खर्चा आ जाता है। और इसका खर्चा अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों जो है बीम कॉलम का अलग और दीवार चुनाई का अलग, इसका खर्चा दोस्तों हमारे क्योंकि 25,000 रुपये का यहाँ आ रहा है। दोस्तों सभी अगर खर्चा हम जोड़ते हैं हमारे सेंट एग्रीगेट सीमेंट स्टील ब्रिक्स और लेबर मिस्त्री का टोटल खर्चा, तो टोटल खर्चा दोस्तों आपके इसमें आने वाला है 1,14,180 रुपये का। दूसरा दोस्तों इसमें जो कुछ छुटपुट खर्चे होते हैं उसको हम 6,000 रुपये मान के चल सकते हैं। तो ये मान के चलिए आप 1,20,000 रुपये का हमारे इसमें जो है 45 फुट का एक दीवार बनाने में खर्चा यहाँ आ जाता है। इसमें दोस्तों जो कॉलम की संख्या रही है वो पाँच कॉलम जो है खड़े इस प्रकार से मैंने इसमें कैलकुलेशन किया हुआ है, इस प्रकार जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 इस प्रकार से 5 खड़े कॉलम का दोस्तों यहाँ मैंने हिसाब आपको बताया है।
दूसरा दोस्तों, यदि आपके कॉलम की संख्या कम है या फिर ज़्यादा है तो दोस्तों पर कॉलम के हिसाब से आप 10,000 रुपये माइनस अथवा प्लस आप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।